मैं हूँ लता और आप देख रहे हैं दरावत फैमिली ब्लॉग। आप सब लोग कैसे होंगे? लोग भी बहुत बढ़िया होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं बहुत बढ़िया हूँ। ब्लॉगिंग मैंने रात से स्टार्ट करी है तो टाइम हो रहा होगा 8 बजने वाले होंगे। काफ़ी लेट ब्लॉगिंग स्टार्ट करी है मैंने आज। आज सुबह से बस गर्मी इतनी हो रही थी ना, मन नहीं कर रहा था फ़ोन उठाने का। बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। उन्होंने किचन में जब रोटी पहले बनाती थी ना तो इतने पसीने नहीं होते थे और मतलब खड़ी हो सकती थी किचन में सब्जी कटिंग वगैरह करने के लिए। पर आज बहुत ज़्यादा ही गर्मी हो रही है सुबह से ही, तो मन ही नहीं कर रहा था गर्मी के मारे। तभी मैंने इस तरह का सूट पहना है, कट स्लिप का, मतलब तो ये मुझे ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है गर्मी में ये सूट, और सही भी रखता है। बाकी ये सब्जी बन रही है, हरे प्याज की सब्जी मतलब बन चुकी है। आटा वगैरह गूंद लिया है मैंने, आज कोई रेसिपी शेयर नहीं करी मैंने, कहा चलो थोड़ा सा बताती हूँ। दिल्ली में बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, बाकी तो श्रीनगर साइड पहाड़ों की साइड तो बारिश हो रही है, बूंदाबांदी हो रही है, बस यहाँ पे गर्मी हो रही है पता नहीं क्यों इतनी ज़्यादा। और आज तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, तो आप सब लोग को ये बाहर जाते हो तो अपना ध्यान रखिए, पानी खूब पिए, जितना हो सके उतना पानी पिए, नींबू पानी पिए, शरबत पिए, मतलब गर्मी से बचने के लिए जो भी चीज़ें सब पिए आप, तभी रहेंगे। वरना तो कई बच्चों को लू लग जा रहा है स्कूल में। मेरे बेटा भी बता रहा था कार्तिक उस दिन कि मम्मी बच्चे कहीं उल्टी कर रहे हैं स्कूल में, तो वही हो रहा है। कई ब्लॉग में भी देखा फ्रेंड्स के कि ऐसी कुछ हो रहा है, तो इस वजह से मैं कह रही हूँ कि आप खूब पानी पिए और खूब मतलब बाहर अगर ज़रूरत हो तभी जाए वरना ना ही जाए। बाकी बहुत गर्मी हो रही है और अब इस टाइम मैं बनाऊँगी रोटी, क्योंकि ये भी इनका फ़ोन आ गया, उनकी फेवरेट सब्ज़ी बनी है हरे प्याज की, तो उनका फ़ोन आ गया कि मैं आ रहा हूँ फटाफट रोटी बना दो, तो मैं रोटी बनाऊँगी। अरे थोड़े बर्तन पड़े हैं वो धो देती हूँ। साथ बर्तन धोते रहो ना तो फिर इतने सारे नहीं होते खट्टे, सोचती हूँ साथ के साथ धो दी इतने। केशव की तो ऑनलाइन क्लास चलेगी कल से, मैसेज आएगा अभी देखते हैं, बोला तो था उसने कि कल से लगेगी। और आज ईद है तो आप सबको जो मेरे फ्रेंड्स हैं जो ईद बनाते हैं उनको ईद की ढेर सारी बधाइयाँ, आपके घर में खुशियाँ आए। बस यहाँ मैं बना रही घी निकाल देती, थोड़ा घर का घी भी बनाती हूँ और बाहर से भी ले लेते हैं। अभी मलाई नहीं जमी तो इस वजह से मैं ये वाला घी यूज़ कर रहे हैं बाहर। आज कोई रेसिपी शेयर नहीं करी, बस मैं दिखा रही हूँ आज मेरा नाइट रूटीन कैसा रहता है। बस अब रोटी वगैरह बनाऊंगी, सबको दूंगी, काफ़ी दिन से रोटी बना, जब तक तवा गर्म हो रहा है तब तक सहले। और बच्चे गए थे पार्क घूमने और फिर वहाँ से भी आए, फिर नहा, उनको बोला नहाओ जाओ, फिर नहा के आए तब उनको थोड़ा अच्छा लगा, मतलब फिर पता है ना कीटाणु बाहर से घूम के आए, फिर मैंने कहा थोड़ी देर रुक के फिर नहाए, गर्मी इतनी हो रही, कह रहे मम्मी बहुत गर्मी हो रही है, फिर नहाए वो दोनों के, मैंने कार्तिक फिर चक्कर लगाएगा। इनकी फेवरेट सब्जी बनी है ना तो तब जाके ज़्यादा लग जाती है उन्हें, स्पीड बढ़ाने। मेरा तो बिल्कुल कहना नहीं मानते दोनों के दोनों, मेरे पापा का मानते। अरे यार बनाए क्यों नहीं हो, ये बनता नहीं है रोटी, क्यों जल्दी बनाओ दो सबसे पहले। अच्छा पापा को देनी है सबसे पहले? नहीं मेरे को देनी, काम करके आए पापा, अभी तो तुमने दूध पिया है।
नहीं कर दूँ। हाथ ना काट लियो, प्लेट दे वहां से, प्लेट दे। अरे यार मेरे को पहले मुझे पापा को ये थोड़ी थी। हाँ पापा को दे दो पहले, बहू फिर देखो दे दूंगी ना मैं। अभी हाथ में मिर्ची लग जाएगी। आज का डिनर है हरे प्याज की सब्जी, सैलेड और चटनी। दिन में बनाई थी रोटी, लेके आती हूँ मैंने आज। अब आइसक्रीम देख के दोनों ही खाना मांग रहे, मैंने रोटी बना के रखी थी, खाना 9-10 बज जाते थे। छाछ, जीरे वाली छाछ सही रहता है घर में। आइसक्रीम के चक्कर में अब दोनों ही खाना मांग रहे फटाफट। पहले देख आती हूँ कार्तिक को। कार्तिक सैलेड नहीं खाता, इसको जितना भी बोलना केशव तो चलो खा लेता है। चलो फ्रेंड्स फिर मैं आपको बाद में मिलती हूँ, काम वाम सब निपट जाएगा। एंड काम वगैरह सब कुछ हो चुका है मेरा, बर्तन धुल गए सारे, थोड़े बर्तन यहीं पे रहते हैं क्योंकि एकदम मैं लगाती भी नहीं हूँ। और बाकी सब कुछ सेट हो गया है, सिंक भी धो दिया है, थोड़ा सा रात को बस झाड़ू तो मार नहीं सकते, पोछा मारती हूँ नीचे यहाँ पर। और काम सारा फिनिश हो गया है, बच्चे लोग टीवी देख रहे हैं, कार्तिक को स्कूल जाना है, भिंडी वगैरह कटिंग। फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आइसक्रीम बांट रही हूँ सबको, पापा मम्मी को मैंने दे दिए था और यहाँ पे मैं अपने लिए निकाल रही थी। और सामने देखो कार्तिक दिख रहा है आपको, तो आप भी आ जाओ खाने के लिए। और ये देखो कैसे खा रहा है आइसक्रीम, ये खा रहा है दादा की आइसक्रीम, इसने खा ली थी पहले, अब ये दोबारा खा रहा है कैसे। साथ आज का ब्लॉग का मैं ही एंड करती हूँ, कल फिर मिलेंगे अच्छे ब्लॉग के साथ। अगर वीडियो पसंद आई उसे लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करना फ्रेंड्स, और बेल आइकन भी जरूर दबाना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे मेरी वीडियो की। जो मेरे चैनल पे न्यू लोग आ रहे हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक करके जरूर जाना, और ऐसी प्यार और ऐसी सपोर्ट बनाए रखना फ्रेंड्स। बाय फ्रेंड्स, गुड नाइट, शुभ रात्रि, कल फिर मिलेंगे, टेक केयर, बाय।